हेलो गाइस, उड़ान एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6। और उसमें हम आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पे बहुत सारी अलग अलग लेयर्स, बहुत सारे अलग अलग स्फेयर्स पाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग स्फेयर्स, मतलब आप कह सकते हो मंडल पाए जाते हैं। तो उन्हीं मंडलों के बारे में हम बात करेंगे जिनको मिलकर के हम कंप्लीटली अपनी अर्थ को देखते हैं, जानते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एटमोसफेयर की, हम बात करते हैं तो एटमोसफेयर मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें गैसें हो सकती हैं बहुत सारी, और उन्हीं गैसों में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसको हम एटमोसफेयर बोल देते हैं। उसमें बहुत कुछ होता है, आगे हम देखेंगे। या फिर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर की बात करेंगे, तो जहाँ पे पूरी अर्थ पे पानी पाया जाता है, तो पानी वाला जो मंडल होता है, जैसे हम जल मंडल की बात करेंगे तो वो हाइड्रोस्फेयर होता है। या बायोस्फेयर की हम बात करते हैं, जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, हम पाए जा सकते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी हो सकता है वो सब बायोस्फेयर का पार्ट हो सकता है। या जियोस्फीयर जो हमारा, जहाँ पे ग्राउंड वाटर एनिमल्स वगैरह होते हैं बहुत सारी, अभी हम उनको अलग अलग करके एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जितने भी स्फेयर्स होते हैं, जितने भी ये मंडल होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर हम आज पढ़ने वाले हैं, ये कभी भी सिंगल अकेले काम नहीं करते हैं। क्योंकि बात की जाए, जैसे हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल की अगर हम बात करें तो जल मंडल मतलब जहाँ पे पानी होता है। अब पानी के अंदर भी तो बहुत सारे जीव जंतु रह सकते हैं ना, जो पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं तो उन्हीं को मिला करके वहां पे भी तो बायोस्फीयर होगा ना, है ना। पानी के अंदर भी बायोस्फीयर हो सकता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं। जहाँ पे बायोम्स पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, वो हमारा बायोस्फीयर हो जाता है। वहां पे पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस भी हो सकती हैं, तो उन गैसिक फॉर्म्स को भी अगर हम देखेंगे तो एटमोस्फियर पानी के अंदर भी होता है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर एटमोस्फियर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी स्फेयर ऑफ द अर्थ ये अपने आप में दूसरे स्फेयर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। यानी कि स्फेयर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेट होते हैं। आप पृथ्वी के जितने भी मंडल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं और वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2-3 घंटे का ये टॉपिक हो सकता है। इसलिए इस टॉपिक को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट 1, 2, 3 करके डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए इसकी और आप समझ पाओ किस तरीके से आपको पढ़ना है और बोर भी ना हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थात हम किसके डोमेन्स के बारे में बात करने वाले हैं? हम पृथ्वी के डोमेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम अर्थ के डोमेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, पृथ्वी के परिमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो परिमंडल तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें उसी के बारे में जानकारी लेनी होगी जिसकी हम बात करें, जिसके डोमेन्स की हम बात करें, यानी अर्थ। देखिए, अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था, वहां पे मैंने अर्थ के बारे में आपको बता दिया था कि अर्थ इज अ प्लेनेट मूविंग अराउंड द सन। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी भी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बहुत देर आर मैनी प्लेनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। तो उन्हीं में से एक हो सकता है, उन्हीं में से एक हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, और वो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, और उसी से हमें सन से ही पृथ्वी को लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है। बहुत सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को कि आपने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, अगर उन प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी हो सकता था, वीनस था, मार्स था, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। तो आप भी जानते हो एक चीज कि इनमें से किसी भी ग्रह पे लाइफ नहीं है, किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर वो सॉलिड फॉर्म से बना हो सकता है, जैसे कि वीनस होता है, आपका मार्स होता है, ये ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में बने हुए हैं, इसलिए इन्हें अर्थ के जैसे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें गैसें ज्यादा हैं, जैसे जुपिटर हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, उनमें बहुत ज्यादा गैसें होती हैं, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर बायोम्स की बात करी जाए, अगर लाइफ की बात करी जाए, तो अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। पृथ्वी अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसपे लाइफ है। हम लोग जहाँ रहते हैं,
वैसे आपको मैं बता दूं कि हम बोलते हैं कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ये बात सच भी है, लेकिन आपने एलियंस के बारे में सुना होगा। एलियंस भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे ग्रह के वो प्राणी होते हैं, जैसे हम लोग अपने अर्थ पर रहते हैं ऐसे एलियंस कहीं पे रहते हैं। लेकिन एलियंस का एग्जिस्टेंस रियल में होता है या नहीं होता है, ये खुद से अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी हम इस पे डिस्कशन आज के टॉपिक में नहीं करेंगे। जितनी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड अपने टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पृथ्वी अकेला, हमारे सोलर सिस्टम की अगर बात करें, जो हमारा सूर्य है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गैलेक्सी थी मिल्की वे, उस गैलेक्सी की अगर हम बात करें, तो उस गैलेक्सी में जो प्लैनेट है अर्थ, उसकी अगर हम बात करें, बाकी और प्लैनेट्स की बात करें, तो उन उन सभी प्लैनेट्स में अर्थ अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। बाकी किसी प्लैनेट पे आपको लाइफ नहीं दिखती है। और लाइफ के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिससे हमारी लाइफ सस्टेन करती है, यानी कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं ताकि हम लोग जीते जी सके। तो आप भी देखते होंगे, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये सब चीजें हमारे लिए, हमारी कुछ एसेंशियल नीड्स होती है, हमारे कुछ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ के लिए कुछ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सब हमारे लिए कहाँ पॉसिबल है, हमारी अर्थ पर ही पॉसिबल है। पानी इजीली हमारे यहाँ पे मिल जाता है। पानी के बारे में आप जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलती है तो वाटर बनता है। लैंड हमारे यहाँ पर है, मतलब भूमि है, हवा है। तो ये सारे के सारे जो लाइफ को जीने के लिए एसेंशियल थिंग्स की जरूरत पड़ती है वो सब हमारी पृथ्वी पर मिलती है। किसी ग्रह की अगर हम बात करें तो ग्रह किसी दूसरे ग्रह पर अभी तक पानी के प्रूफ हमें नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जब वहां पे पानी नहीं है वहां पे, और अगर जुपिटर, सैटर्न, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन पर केवल आपको बहुत ज्यादा गैसें मिल जाएंगी, तो वहां पे हमें लैंड नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे हमें लैंड तो मिल रही है, बट वहां पे हमारे पास एयर बहुत ज्यादा नहीं है, हर तरह की विंड जिसकी हमें जरूरत है। जैसे कि पानी जो बनता है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाकर के बनता है। तो मतलब एक वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटी जिसके लिए, जो लाइफ के लिए जिन जिन वैरायटीज की जरूरत होती है वो सारी की सारी वैरायटीज हमें हमारी अर्थ पर ही मिल जाती हैं। यानी आप कह सकते हो कि जीवन को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो केवल और केवल एक ही प्लेनेट है अर्थ, उस पर मिलती है। ठीक है। और पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें, हम सतह क्या होती है, जो हमारा सरफेस होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अर्थ तो बहुत बड़ी है, अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी सरफेस की बात करें, अर्थ कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि थोड़ा सा है, लेकिन अर्थ की जो सरफेस होती है, सतह, आप समझ रहे हो ना, किसी भी वस्तु की, किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, जहां पर हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, हम खड़े रह सकते हैं, हम रह सकते हैं ना, वो सतह की अगर हम बात करें तो पृथ्वी ही अकेला एक ऐसा ग्रह है, एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसमें, जिसकी सतह में पर्यावरण के ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। ठीक है। तीनों महत्वपूर्ण घटक या तीनों के तीनों जो इम्पोर्टेंट मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए, वो तीनों मिलते हैं। यानी पानी मिलता है, भूमि मिलती है और हवा मिलती है, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है। लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के ये तीनों एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं, लैंड हो गया, वाटर हो गया एंड एयर हो गया, ये तीनों मिलते हैं यहाँ पे, और एक दूसरे को कंप्लीटली, एक दूसरे पर ये एक दूसरे को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर देखा जाए, जल, भूमि और हवा, ये दोनों ही, इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों जो जहाँ पर एक जगह पाए जाते हैं वहां पर लाइफ साइकिल बहुत अच्छा होता है ना। कहीं पे लैंड है, पानी नहीं है, तो कैसे जीवन संभव हो सकता है? या पानी है और लैंड है बट वहां पे एयर नहीं है, तो भी हमारा जो लाइफ साइकिल है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अकेला हमारी अर्थ की ही सरफेस है जिस पर हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फॉर लिविंग द लाइफ,
वो तीनों के तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स केवल और केवल अर्थ की सरफेस पर ही मिलते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट ओवरलैप एंड इंट्रैक्ट एंड दीज थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स आर लैंड वाटर एंड एयर। ओके, तो यहाँ पे पृथ्वी के बारे में अर्थ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है और अभी हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग डोमेन्स ऑफ द अर्थ की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमारा हम देख पा रहे हैं एटमोस्फियर, एटमोस्फियर यानी वायुमंडल, ठीक है, जिसमें वायु पाए जाते हैं, जिसमें गैसेस होती हैं बहुत सारी, एयर होती है, उसको एटमोस्फियर कहते हैं। हमारे आसपास चारों तरफ जो हमारा एरिया कवर करती हैं गैसेस चारों तरफ से, जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जितनी भी गैसेस होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर फाउंड इन आर अर्थ इन आर एटमॉस्फेयर। तो ये सारे के सारे जो गैसें जहाँ पे मिलेंगी, यानी गैस यानी वायु, तो वायु का स्फेयर, स्फेयर यानी मंडल, एक ऐसा एरिया जहाँ पे गैसें मिलती हैं, तो उसको हम एटमोस्फेयर या वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अगले की अगर हम बात करें तो जो लिथोस्फियर होता है, लिथोस्फियर होता है भूमंडल, भू यानी कि लैंड, जहाँ पे जमीन होती है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें जो जमीन होती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, जो भी होता है वो जो एरिया होता है उसको हम लिथोस्फियर या भूमंडल कहते हैं। भूमंडल यानी भूमि, जमीन, लैंड, तो जहाँ पे लैंड पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर। और अगला हम अगर बात करें वायुमंडल, वायुमंडल अभी मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक है, तो लिथोस्फीयर भूमंडल या स्थल मंडल के नाम से आप जानते हो, हमारे जितने पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, हमारे घर मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, घास मिलती है, खेत मिलते हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब के सब लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर भूमंडल या स्थल मंडल। और एटमोस्फियर या वायुमंडल जो होता है उसमें गैसें होती हैं, उनकी हम बात करेंगे एक एक करके, इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड जल मंडल की अगर हम बात करें तो जल मंडल आप समझ रहे हो हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर की हम बात करें, यानी जहाँ पे जल होता है, पानी होता है, जैसे हमारा ओशन है ना, ओशन हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, लेक्स हो सकती है ना, लेक इज ऑल्सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो जल मंडल की अगर हम बात करें जहाँ पे भी पानी मिलेगा, वो एरिया जो विच दैट एरिया विच इज कवर्ड बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल का मंडल, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, बे हो सकता है, गल्फ हो सकता है, ये सब जल मंडल के अंदर आती हैं, ठीक है। और जीव मंडल की हम बात करें तो बायोस्फीयर तो इन सभी में मिलेगा ना, कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, जीव मंडल की अगर हम बात करें तो जीव मंडल जहाँ जहाँ जीवन पाया जाता है वहां वहां जीव मंडल होता है। जीव मंडल लिथोस्फेयर में भी हो सकता है, यानी कि स्थल मंडल में भी हो सकता है। जीव बहुत सारे जीव होते हैं जो आसमान में उड़ते रहते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, मतलब एटमोस्फेयर में भी हो सकता है, जल मंडल में भी हो सकता है, और जीव मंडल जो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि बायोम्स को रहने के लिए इन्हीं तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कहीं ना कहीं कम से कम दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एटमोस्फेयर और जल मंडल हाइड्रोस्फेयर, या फिर एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तीनों की भी जरूरत हो सकती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली वहाँ होती हैं, वो पानी में रहती हैं, तो मछलियों को पानी में रहने के लिए हाइड्रोस्फीयर की जरूरत होती है, ठीक है, मछलियों को पानी में रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोस्फीयर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही उन्हें सांस लेने के लिए गैसों की भी, वायु की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्हें एटमोस्फेयर भी चाहिए वहां पे, है ना। तो यहाँ पे जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका जो बायोस्फीयर होता है वो हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक एक करके टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूमंडल के बारे में, यानी लिथोस्फीयर के बारे में हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर होता क्या है। तो लिथोस्फीयर एग्जैक्टली भूमंडल या स्थल मंडल की हम बात करते हैं, जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है ना अर्थ का, आप घर जहाँ पे रहते हो वो पोर्शन की हम बात करें, आप खुदाई करते हो जहाँ पे, आप खेती करते हो जहाँ पे रहते हो, अपने घर बनाते हो आप जहाँ पे, आप जो भी अपनी मेन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो सभी जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है वो ही लिथोस्फीयर होता है। स्थल मिट्टी, लैंड विच इज मेड बाई सॉइल। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाएगा और
पृथ्वी का ठोस भाग मतलब कैसा ठोस भाग? इसमें सॉलिड जो पोर्शन होता है उसमें आप चट्टानों की बात कर सकते हो, है ना, बहुत चट्टाने यानी रॉक्स की आप बात कर सकते हो, या हमारी जो सॉयल होती है उसकी बहुत सारी पतली पतली और थिन जो लेयर्स होती हैं उनकी हम बात कर सकते हो, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं, बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हमारी बॉडी हमारी लेयर ऑफ अर्थ में मिल जाते हैं, उन्हीं उसी को हम भूमंडल कहते हैं। यानी भूमंडल का सीधा सा मतलब या लिथोस्फेयर या स्थल मंडल का सीधा सा मतलब होता है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ठोस भाग, उसी को हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टानों का मिलकर बना हो सकता है, मिट्टी का मिलकर बना हो सकता है, उसी को हम भूमंडल कहते हैं। और पृथ्वी की सतह जो होती है ये, इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि जो हमारा ये भूमंडल होता है, जो लिथोस्फेयर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं, बहुत सारी चट्टाने मिलती हैं, और बहुत सारी चट्टाने अगर मिलेंगी तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो चट्टाने होती हैं उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, और जब ये चट्टाने टूट जाती हैं तो चट्टाने टूटने के बाद में जो हमारी मिट्टी होती है, जो लेयर ऑफ द सॉयल होती है, उसमें ये मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में वो बहुत सारे पोषक तत्व उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो होते हैं विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आएंगे, वो इन्हीं मिनरल्स से आते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, हम लोगों को हमारी जो बॉडी बनती है उसमें आयरन होता है, जिंक होता है, फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होती हैं, तो ये हमारे पास कहाँ से आई, जो खाना हम खा रहे हैं ये उसमें है ना। हम जो खाते हैं, सपोज दैट हमने एप्पल खाया तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन आ गया, लेकिन ये आयरन एप्पल के पास कहाँ से आया, है ना, आपको समझना होगा। तो जो जितने भी ये मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स हमें डायरेक्टली हमारी जो सॉइल होती है उससे मिलते हैं। जब ये पेड़ पौधे रेस्पिरेशन करते हैं ना, श्वसन क्रिया इनकी होती है, मतलब आप कह सकते हो कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिससे ये लोग अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसे आप बोलते हो, तो उस एक्टिविटी के जरिए जो जमीन के अंदर जो जो मिट्टी होती है उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इसी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के जरिए इन पेड़ पौधों में ऊपर पहुंच जाते हैं, और इनमें जितने भी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें ये मिल जाते हैं। तो आयरन हमें एप्पल में मिल जाएगा, या पोटैटोज जो होते हैं उनमें, या बहुत सारी ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप कह सकते हो जिनमें हमें बहुत ज्यादा अलग अलग आयरन मिलता है, या बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, फॉस्फेट मिल सकता है, कैल्शियम मिल सकता है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिला है, ये इन्हीं रॉक्स से मिलता है, क्योंकि ये जितने भी मिनरल्स होते हैं इन रॉक्स में होते हैं, क्योंकि रॉक्स के बारे में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको लेक्चर हम ले लेंगे कभी। रॉक्स एक्चुअली जो हमारी अर्थ की जो पार्ट्स होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे आप ऊपर वाले पोर्शन को क्रस्ट कहते हो, फिर मेंटल कहते हो, और फिर नीचे क्रोड होती है। तो वहां पे अंदर जो इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ होती है, पृथ्वी की जो आंतरिक सतह होती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। उन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि वो पृथ्वी नीचे से बहुत गर्म होती है अंदर से, तो वो गर्मी की वजह से वहां पे लावा बनता रहता है, मैग्मा बनता रहता है, और वो बाहर निकलता है। तो उसी मैग्मा में, उसी लावा में जो अर्थ की इंटरनल लेयर होती है, जो वो फटती है, बाहर आती है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि वॉल्केनिक सिस्टम या फिर वॉल्केनिक रिएक्शन वगैरह जितने भी होते हैं इस तरीके से, तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं ये अर्थ पे ऊपर आ जाते हैं, मतलब लिथोस्फेयर पे आ जाते हैं। तो और ये ही जब टूटते रहते हैं, इन्हीं के अंदर मिनरल्स होते हैं, ये टूटते टूटते ये सॉइल में मिल जाते हैं, और फिर जब हम खाना हमारा जो खाने पीने का सिस्टम होता है, जो भी हम खाते हैं उसमें ये मिल जाते हैं। तो मिनरल्स हमें यहीं से मिलते हैं, ठीक है। और ये मिनरल्स चट्टानों से टूटने के चट्टाने टूटेंगी, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, वो सॉयल बन जाती है, मड बन जाती है, और मड जो होती है वो एक लेयर बना लेती है सॉयल की अपनी अलग, और उसमें जब हम खेती करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं अपनी, तो उससे वो मिनरल्स सारे के सारे हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह को हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी जो पृथ्वी की सतह, हमारी जो पृथ्वी की सरफेस होती है, अर्थ का जो हमारा सरफेस होता है, उस सरफेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो ये टू पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
अर्थ का जो सरफेस होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो एरिया हो सकता है जहां पर आपको लैंड फॉर्म मिलेगा, स्थल मिलता है जहां पे, और एक वो फॉर्म हो सकता है अर्थ के सरफेस का जहां पे आपको पानी मिलेगा, है ना। ओशियंस वगैरह जो होते हैं, पूरी पृथ्वी की जो सतह होगी उसमें कुछ जगहों पर आपको पानी मिलता है ना, और कुछ जगहों पे आपको मिट्टी मिलती है, स्थल मिलता है। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह को हमने दो भागों में बांटा है। जो स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और जो बड़े जलीय भाग होते हैं उनको हम ओशियंस के नाम से जानते हैं। तो जिनमें पानी होता है बहुत बड़े लेवल पर उन्हें हम महासागर के नाम से जानते हैं, और जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं भूमि के उन्हें महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इसी लेक्चर में। तो पूरी दुनिया, जितने भी हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। जितने भी लार्ज लैंड मासेस होते हैं, जितने बड़े बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। महाद्वीप की डेफिनेशन भी बताऊंगी अभी। तो उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। और इतना बहुत बड़ा एरिया, अ ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर, जो बहुत बड़े लेवल पर पानी की जो बॉडीज होती है उनको हम महासागर के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, या फिर आप पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की बात करेंगे, तो जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर पानी मिलता है उसको हम ओशियन के नाम से जानते हैं। जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर लैंडफॉर्म मिलती है उसको हम कॉन्टिनेंट के नाम से, महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया अर्थ की जो लेयर होती है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अर्थ की लेयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और इसी की अगर हम बात करें, भले ही एक चीज आपको देखनी होगी कि लेयर हमने डिवाइड तो कर ली, महाद्वीपों को हमने अलग रख दिया है और महासागरों को हमने अलग रख दिया है, बट आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ओशन और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं ना। आप मैप उठाओगे, एटलस उठाओगे, वहां पे आपको देखोगे कि पैसिफिक ओशन जो है, या अटलांटिक ओशन जो है, या जो इंडियन ओशन है, ये सारे के सारे ओशन किसी ना किसी कॉन्टिनेंट से मिले हुए हैं। जैसे इंडियन ओशन है वो एक तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिला हुआ है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से मिला हुआ है, एक तरफ एशिया कॉन्टिनेंट से मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विश्व के सभी महासागर और सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब महाद्वीप हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी आप देखोगे जब एटलस आपके हाथ में होगा तो आप देखोगे, आप देखना ध्यान से इस चीज को, अगर आपके पास मैप वगैरह हो आप उठाना, और नहीं भी हो तो आप एक एटलस या मैप तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। आप देखोगे कि इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर एक तरफ प्रशांत महासागर से मिल जाता है ना, पैसिफिक ओशन से मिल जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे इंडियन ओशन की बात करें तो उसके एक साइड में अफ्रीका है, एक साइड में एशिया है, एक साइड में ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन को फिर आप देखोगे कि बीच में छोटे 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 से बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, और उन द्वीपों के बीच से पानी एक दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरे महासागर का पानी इंडियन ओशन से मिलता है, जिसे आप पैसिफिक आप बोलोगे। आप देखोगे कि प्रशांत महासागर का पानी इंडियन ओशन के साथ में मिल रहा है, मतलब हिंद महासागर के साथ में मिल रहा है। आप देखोगे रूस है, जापान है, चाइना है, और ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला जो पोर्शन है, फिलीपींस हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में जब आप इंडोनेशिया वाला एरिया देखोगे तो उस इंडोनेशिया वाले एरिया में आप देखना कि प्रशांत महासागर का पानी इंडियन ओशन के पानी से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व के जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इसी की अगर हम बात करें, जितने भी ओशंस होते हैं उनका जो पानी होता है, उनका जो पानी होता है उसका जो लेवल होता है वो सभी जगह समान होता है। यानी समुद्री जल का जो तल होता है, जो लेवल ऑफ सी वाटर होता है, वो सब जगह एक जैसा होता है। कहीं भी पानी आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छे से, पानी अगर एक जगह ऊंचा है दूसरी जगह नीचा है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाएगा। आप एज्यूम करिए पानी कभी भी आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, आपको लैंडफॉर्म ऊंची नीचे दिख सकती है, लेकिन पानी का जो लेवल होता है, जो सी लेवल, सी का जो वाटर लेवल होता है, वो आपको हमेशा इक्वल दिखेगा, है ना। आप नहीं जज कर पाओगे कि ये पानी थोड़ा ऊंचा है, ये पानी नीचा है, नहीं, अगर पानी ऊंचा नीचा है तो मिल जाएगा एक दूसरे में।
तो समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से इसीलिए नापा जाता है क्योंकि समुद्र का जो तल होता है वो सब जगह इक्वल होता है, और उसी से पता लगाया जा सकता है कि ये जैसे माउंट एवरेस्ट है वो समुद्र तल से 8,850 किलोमीटर के आसपास, 50 मीटर के आसपास होता है, या 48 मीटर आप कह सकते हो, अभी 50 है तो इसके भी अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसी लेवल से ही क्यों हम जितने भी हमारे ये लैंड फॉर्म्स होती हैं, जितने भी हमारे माउंटेन्स होते हैं, हमारे प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, मतलब पठार वगैरह जो होते हैं, इनको हम सी लेवल से ही क्यों मापते हैं? क्योंकि सी का जो लेवल होता है वो इक्वल होता है हमेशा, हर जगह से सी लेवल आपको इक्वल मिलेगा, क्योंकि समुद्र का पानी कभी भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्यों क्यों शून्य क्यों माना जाएगा? क्योंकि समुद्र का जो तल होता है वो सभी जगह इक्वल होता है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ऑब्वियसली बात है, जब पानी एक लेवल में होता है तो सभी जगह एक जैसा होगा। एंड एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। जो भी जितने भी लैंड होती है उसका अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो लेवल ऑफ द सी से करते हैं, विच इज टेकन एज जीरो, वहां पे हम उसको जीरो के रूप में काउंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक होती है, माउंट एवरेस्ट है हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ से मापा जाता है? वो सी लेवल से मापा जाता है। इसके अलावा विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के अंदर ही आता है, मैरियाना ट्रेंच। आप फिलीपींस पे जाओगे, फिलीपींस करके जो कंट्री है पैसिफिक ओशन में, उसी के पास में पड़ता है ये मैरियाना ट्रेंच। तो ये 11,000 कुछ किलोमीटर इसकी गहराई है। तो ये सब सी लेवल से ही मापे जाते हैं। जितने भी इस तरीके से आप देखोगे और ये रिलीफ्स होते हैं, ये सब सी लेवल से ही मापे जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,000 अराउंड मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। यानी कि समुद्री तल से कोई चीज कितनी ऊंची है और समुद्री तल से कोई चीज कितनी नीची है, ये हमें समुद्र तल से ही पता चलता है, क्योंकि समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है उसको हम जीरो मानते हैं। उससे नीचे कितना जाएगा वो गहराई हो जाएगी, उससे ऊंचा कितना जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगी। जैसे माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से जो सी लेवल होता है उसी लेवल से लगभग 8,840 या 50 मीटर ऊंचा है, जबकि मैरियाना ट्रेंच सी लेवल से 11,022 मीटर लगभग नीचे है, मतलब इतनी गहरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं महाद्वीप की डेफिनेशंस के बारे में, और महाद्वीप की डेफिनेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना ही देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं भी लेके आती हूँ थोड़ी देर में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।